हेलो दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एनम के आज हम टेस्ट सीरीज नंबर लेके आ रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज जो आप करिए और अपना रिवीजन बार बार करते रहिए, जिससे आपको आपको एनम में अपना एक सीट लाने में हेल्प मिल सके। जैसे राजस्थान एनम, ऑल स्टेट एनम के लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जिसे आप पढ़िए। और यही आपके चाहे एनएचएम में हो चाहे परमानेंट में हो, आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर, यही बार बार रिपीट होते हैं। आप इसे करिए और चलिए हम पढ़ते हैं। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो अब आपकी नौकरी पक्की है। अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? इसलिए खुद पर पहले भरोसा करना सीखिए आप। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें मैंने टेस्ट सीरीज लगाया हुआ है, मेरी जॉब लगी हुई है, इसलिए मैं आपके लिए भी वही टेस्ट सीरीज ला रही हूँ। और मैंने ये देखा है कि यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, और मैं भी एक एनम हूँ और गवर्नमेंट एनम हूँ, इसलिए आप भटकिए नहीं और इन क्वेश्चन को बार बार करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी पक्की हो सके। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी आपकी? 7 अप्रैल 1948 को। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, WHO का पूरा नाम है, WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, 44। नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है? रोकथाम से संबंधित है। ये ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उपकेंद्र सब सेंटर मुख्यतः किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है? रोकथाम से संबंधित है। 6 नंबर हो जाएंगे, निम्न में से प्रभावित स्वास्थ्य देखभाल का लक्षण, प्रभावित स्वास्थ्य देखभाल का लक्षण कौन सा हो जाएगा आपका? पर्यावरण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा व्यवहार, तीसरा हो जाएगा व्यापकता, उपयोग सभी, आपके उपयोग सभी राइट हो जाएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत में शामिल है? क्या शामिल है? न्याय संगत बंटवारा भी शामिल है, सामुदायिक सहभागिता भी शामिल है, उपयोग तकनीक भी है, उपयोग सभी आपके राइट हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है? प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल का सिद्धांत आपका स्वास्थ्य सेवाओं का न्यायसंगत बंटवारा है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है? क्या है? आनुवांशिकता स्वास्थ्य का निर्धारित तत्व है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में ANM की भूमिका में शामिल है? क्या शामिल है आपका? ये ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्ति परिवार तथा समाज के स्वास्थ्य का आंकन भी हो जाएगा, आपातकालीन तथा सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना तथा आवश्यकता अनुसार रोगियों को विशेषज्ञ के पास रेफर करना। सी हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर रखना, उपयोग सभी, उपयोग सभी आपके राइट हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, निम्न में से गर्भ निरोधक कंट्रासेप्टिव का स्थायी साधन है? क्या है? कॉपर टी आपका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, निम्न में से पुरुषों द्वारा उपयोग में ली जाने वाला गर्भ निरोधक स्थायी साधन है? वैसेक्टोमी आपकी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NHM का भी और इन परमानेंट का भी। निम्न में से सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला गर्भ निरोधक का अस्थायी साधन है? कंडोम आपका अस्थायी साधन है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से गर्भ निरोधन का कौन सा साधन केवल पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है? कंडोम ही आपका पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, निम्न में से गर्भ निरोधक का कौन सा स्थायी साधन केवल महिलाओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है? महिलाओं द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला स्थायी साधन आपका वेसेक्टोमी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर हो जाएगा, निम्न में से गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी साधन माला एन हो जाएगा आपका।
17 नंबर हो जाएगा गर्भ निरोधक का अस्थायी साधन कंडोम, जो कि पुरुष द्वारा उपयोग में लिया जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है यह आपका? यह करता है, यह नर शुक्राणु स्पर्म को महिलाओं के अंडाणु ओवम से मिलने से रोकता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से गर्भ निरोधक कंट्रासेप्टिक का साधन नहीं है, क्या नहीं है? एंड एपेंडेक्टोमी नहीं है, अपेंडेक्टोमी नहीं है। और कौन कौन सा है आपका? ट्यूबेक्टोमी है, वैसेक्टोमी है, कॉपर्टी है, ये सब गर्भ निरोधक का साधन है पर वो नहीं है। 19 नंबर हो जाएगा, गर्भ निरोधक साधन जैसे कॉपर्टी महिलाओं को गर्भवती होने से किस प्रकार रोकती है? किस प्रकार? यह निषेचित अंडक फर्टिलाइज्ड ओवम को गर्भाशय में आरोपित होने से रोक देता है। 20 नंबर हो जाएंगे, निम्न में से प्राथमिक संतति अंत गर्भाशयी गर्भ निरोधक साधन है। फर्स्ट जनरेशन आईयूडी क्या होता है आपका? लिप्स लूप होता है। 21 नंबर, प्रोजेस्टर्स उदाहरण है किसका है? हार्मोन अंतर गर्भाशयी साधन का है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 22 नंबर, कॉपर्टी 380A का उदाहरण है, क्या है आपका? बी ऑप्शन, कॉपर युक्त गर्भाशयी साधन का। 23 नंबर हो जाएंगे, निम्न में से अंत गर्भाशयी गर्भ निरोधक साधन के साधनों के उपयोग का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव है? असामान्य रक्तस्राव, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, निम्न में से कंडोम के बारे में सत्य कथन है, क्या है? बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, इसे कभी भी स्खलन से ठीक पहले उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूर्व स्थलित रोग में भी शुक्राणु उपस्थित हो सकते हैं। 25 नंबर, निम्न में से मालायन के बारे में सत्य कथन है, ये गर्भावस्था की रोकथाम हेतु इसे उपयोग में लिया जाता है। 26 नंबर हो जाएंगे, निम्न में से गृह मुलाकात का सिद्धांत नहीं है, गृह मुलाकात का सिद्धांत क्या नहीं? इसमें लचीलापन नहीं होना चाहिए, और कौन कौन सा है आपका? ये आपका नहीं है, मतलब ये नहीं है। कौन कौन सा होना चाहिए? या पूर्व नियोजित होनी चाहिए, बी इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दौरान जोखिम युक्त को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, डी हो जाएगा गृह मुलाकात के दौरान एनएम को हो सकता परिवार के सदस्यों शिक्षा हेल्थ एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए। 27 नंबर हो जाए, गृह मुलाकात के दौरान एनएम को निम्न श्रेणी के लोगों से किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? किसे देनी चाहिए आपको? उपयोग सभी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऐसी महिलाएं जो प्रसव प्रक्रिया में हों, बी हो जाएगा ऐसे नवजात जिनमें जन्मजात विकृतियां मौजूद हों, सी ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था या शुद्धावस्था में हों, उपयोग सभी आपके राइट हो जाएंगे। 28 नंबर, एक एनएम द्वारा गृह मुलाकात किए जाने पर उसे पता लगता है कि एक दंपत्ति के दो बच्चे हो चुके हैं, वह उस दंपत्ति को क्या सलाह देगी? उस सलाह देगी एनएम उस दंपत्ति को गर्भ निरोधक का स्थायी साधन अपनाने की सलाह देगी। अगर आपके दो बच्चे हैं तो आप उनका लालन पालन अच्छे से कर लेंगे, अगर आपके बच्चे ज़्यादा हो गए तो आप उनको ना अच्छे से खिला पाएंगे, ना अच्छे से पहना पाएंगे, ना अच्छे से उनको शिक्षा दे पाएंगे। अगर आपको शिक्षा देना है, अपना परिवार अच्छे से रखना है, तो आपको 2 से 3 नहीं करना चाहिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, एक एनएम द्वारा गृह मुलाकात किए जाने पर उसे पता लगता है कि एक दंपति के अभी 2 महीने पहले बच्चे का जन्म हुआ, एनएम उस दंपति को कैसे ला देगी? एनएम उस दंपति को गर्भ निरोधक का अस्थायी साधन प्राणी को 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखने की सलाह देगी। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, एक एनएम द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि कहलाती है, गृह मुलाकात कहलाती है। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, निम्न में से सत्य कथन है, क्या सत्य कथन है? समुदाय के लोगों में हम की भावना पाई जाती है,
32 नंबर, निम्न में से संक्रामक बीमारी होती है, केबल डिजीज का उदाहरण है, उपयोग सभी जैसे क्षय रोग हो जाएंगे, कुकुर खांसी हो जाएगी और हैजा हो जाएगी, उपयोग सभी हो जाएंगे आपके, उपयोग सभी हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे